रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। आप देख रहे हैं HJ न्यूज। किसी होटल से कम नहीं है ये ध्यान गुफा। PM मोदी के जाते ही लोगों ने नाम रख दिया मोदी गुफा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ दौरे की गुफा के अंदर साधना करते हुए तस्वीरें वायरल हुई हैं, तभी से बहुत सारे लोग इस गुफा की जानकारी जुटाने लगे हैं। अंतिम चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने जिस रात गुफा में रात गुजारी, मेडिटेशन किया, वो गुफा रातों रात फेमस हो गई है। इस गुफा का नाम रुद्र मेडिटेशन केव है, जिसे गढ़वाल मंडल विकास निगम ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। ये गुफा समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर छोटी सी जगह में बनी है। गुफा की सुविधाओं को देखकर लगता है कि किसी होटल से कम नहीं है। इस गुफा में बेड, टॉयलेट, 24 घंटे बिजली, टेलीफोन जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ कोई भी जा सकता है। गुफा में वाईफाई का इंतजाम भी है। गुफा में सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना भी उपलब्ध हो जाता है। वैसे तो इस गुफा को पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसकी बुकिंग की। लेकिन अब पीएम मोदी की गुफा में होकर आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि गुफा काफी प्रसिद्ध हो गई है, इसकी बुकिंग भी बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर इस गुफा की काफी चर्चा है। यहां तक इंटरनेट यूजर्स इस गुफा को ध्यान कुटिया के नाम की बजाय अब मोदी की गुफा के नाम से जानकारी जुटा रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक BL राणा का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने की वजह से ये चर्चा में आ गई है, लोग यहाँ आना चाहते हैं। गुफा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने फिलहाल इस गुफा की बुकिंग पर रोक लगा रखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के पहले महीने से एक बार इस गुफा की बुकिंग दोबारा शुरू की जाएगी। सो कैसी लगी आपको ये खबर, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं HJ न्यूज। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज।